मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना क्या कहता है, आपके लिए कैसा समय आने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना जो है वो थोड़ा सा कठिन रह सकता है, क्योंकि हमारी जो वाणी है उसका हमारे ऊपर, वृषभ राशि वालों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहने वाला है, जिसकी वजह से या तो उनका काम बहुत ज़्यादा बन जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इस बारे में आज हम विचार करने वाले हैं। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि भविष्य जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और वैसे भी कोई भी कार्य की शुरुआत करना अगर हम चाहते हैं तो हमारे मन में ये बात होती है कि हम उस कार्य को कैसे शुरू करें, करें या ना करें, यह समय अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए अगस्त के महीने में वाणी के दम पर आप काम निकलवाने में कामयाब हो सकते हैं, आप सक्षम रहने वाले हैं, लेकिन अत्यधिक बोलना या फिर अत्यधिक गलत वाणी का उपयोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर ही आपको चलना चाहिए। यदि किसी से आपकी तनातनी चल रही है तो अपनी मीठी बातों द्वारा आप उसका मन जीतने में और उसको मना पाने में अगर वो आपसे नाराज़ है तो आप कामयाब होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा, क्योंकि आपके लिए ये बेहतर होगा, आपकी तरक्की के लिए, आपके भविष्य के लिए ये समय आपको थोड़ा सा ध्यान देकर ही चलना चाहिए। आर्थिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा ठीक रहने वाले हैं, लेकिन आपका जो शुरुआती समय है उसमें आप अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना थोड़ा सा 10-15 दिन बीतेंगे, महीने के जो उत्तरार्ध होगा उसमें आपको थोड़ा सा समय जो है वो ठीक ठाक रहेगा, इसलिए बेफिजूल के खर्चों पर अभी से ही कंट्रोल कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी परेशानी ना हो। अध्यात्म के कार्य में इस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा आप लेने वाले हैं, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में आप इस समय ज़्यादा ध्यान देंगे। पारिवारिक जीवन के लिए महीने की जो शुरुआत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी और परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की बात की जाए तो बहुत अधिक अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अपने प्रियतम के साथ थोड़ा सा संभल कर चलें, कोई भी ऐसी बात ना कर दे जो शायद आपके घर वालों को पसंद ना आए या फिर आपके आपसी संबंधों में ही वो खटास उत्पन्न कर दे। तो इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा वाणी जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस समय आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, किस समय बोलना है, उस पे कामयाब भी हो सकते हैं और वो आपको शायद थोड़ा सा नुकसान भी पहुँचा सकती है, इसलिए संभल कर चलें, अपने प्रियतम की बात को समझें, उनके मन के भावों को समझें, शायद आपकी बात बन जाए। अधिक अनुकूलता लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, किसी चोट या फिर दुर्घटना की संभावना इस समय आपके लिए बन रही है, परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन आपको इस समय स्वास्थ्य को लेकर वैसे भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो सभी के लिए ही अनुकूल नहीं हैं, तो ऐसे में चोट या ऐसे किसी दुर्घटना का होना आपके लिए कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि चोट का या दुर्घटना का आपको कहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए इलाज करवाना पड़ेगा, वहां पर आप उसका इलाज करवाने की जगह कोई और आपकी परेशानी मोल ले लें, तो उससे आपको संभल कर चलना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करना है, शनि देव की उपासना करनी है, बहुत लाभ होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये था अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है,
वृषभ राशि वालों के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।